क्या आपके पास पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर है? अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इस वीडियो को देखो और यहाँ से आप पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए, इसको चेक करने के लिए मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको जाना है गूगल में, आप कोई सा ब्राउज़र से गूगल में जाइए। गूगल में जाकर टाइप करना है पीएम किसान, देखिए पीएम लिखते ही आपका यहाँ नीचे आ जाएगा pmkisan.gov.in। ठीक है, इसी में क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीका का एक पेज आएगा, इसमें पेज जो दिखाई देगा आपको, तो सबसे पहले ऊपर जो पीएम किसान लिखा रहेगा इसी में क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीका का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा। देख अभी आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको तीन नंबर वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, नो योर स्टेटस। ठीक है, इसमें क्लिक करते ही हमारा रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स आ जाएगा और आप यहां से रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं। अभी मैं क्लिक करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसमें क्लिक करने के बाद इस तरीका का पेज आ जाएगा। देखिए अब इस पेज में कुछ फिलअप करना होता है, तो क्या फिलअप करना है ये दिखा रहा है, एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, एक कैप्चर कोड दिया हुआ है, ये भर देना है। ठीक है, तो अभी एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने मान लो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आप भूल गए हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे लेंगे, ये मैं आसान एक उपाय बता रहा हूँ। ऊपर लिखा हुआ है देखिए, नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या आप जानने के लिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप इसमें क्या करना है, देखिए मोबाइल नंबर और आधार नंबर दिया हुआ है, आप दो चीज़ से यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर अपना ऐड कर देता हूँ निकालने के लिए, आपको दिखाने के लिए। मोबाइल नंबर ऐड करने के बाद यहाँ एक कैप्चर कोड दिया हुआ है ऊपर, उसी कैप्चर कोड को यहाँ कैप्चा जो लिखा हुआ है यहाँ फिलअप कर देना है। देखिए इसी कैप्चर कोड को फिलअप करने के बाद यहाँ गेट मोबाइल ओटीपी लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कर देना है। मोबाइल में एक ओटीपी आएगा। अब देखिए मेरा ओटीपी आ चुका है, यहाँ मोबाइल ओटीपी जो लिखा है यहाँ क्लिक करना है और उस ओटीपी को भर देना है। यहाँ 444 इतना भरने के बाद यहाँ गेट डिटेल्स लिखा हुआ है, गेट डिटेल्स में क्लिक कर देना है। अब गेट डिटेल्स में क्लिक करते ही देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया और मेरा नाम भी आ गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर अभी ले लेंगे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लिया और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा और ये मेरा नाम है बेस्टम प्रधान। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो इस तरीके से आप पीएम किसान सम्मान निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर आसानी से देख सकते हो, अपना नाम या नंबर, और चाहे तो आपको जरूरत पड़े तो यहाँ से निकाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ अभी दो चैनल आप देख पा रहे हैं। पहला वाला मेरा मोनेटाइज चैनल है, घर से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो यहाँ देखने को मिलेगा, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, और सेकंड वाला चैनल जो आप देख रहे हैं अभी वही चैनल है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी उस चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम बेस्टम प्रधान है और ये जो स्क्रीन में जो वीडियो चल रहा है आप इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें से बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड जानकारी। ठीक है दोस्तों, बाय।